चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के किंग खान और हॉट दीवान अनुष्का शर्मा की फिल्म जब हैरी मेट सेजल पूरे भारत में एक साथ रिलीज हुई थी। जब हैरी मेट सेजल से दर्शकों और फिल्मी दुनिया के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें भी थी। फिल्म रिलीज से पहले ऐसा माना जा रहा था कि इसके बाद एक बार फिर से शाहरुख खान की रोमांटिक जोड़ी बतौर पर्दे पर वापसी की जाएगी। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, यह तो दर्शक खुद ही फैसला करेंगे। लेकिन अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो काफी निराशा करने वाला रहा है। यकीन मानिए, फिल्म की शुरुआत धमाकेदार थी। कम से कम हॉल में बैठे दर्शकों की सीटियों और तालियों से तो यही समझ में आ रहा था। फिल्म की जान थी अनुष्का शर्मा। इस फिल्म के बाद आपको कितने दिनों तक वो सपने में आने वाली है, इसका कोई पता नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड साइट कोई मोई के अनुसार फिल्म ने अपने 5 दिनों में केवल 56 करोड़ का व्यवसाय किया। अगर फिल्म के वीकेंड की बात करें तो पहले सोमवार से इसने सिर्फ 8 करोड़ का ही बिजनेस किया है और मंगलवार को इसने मात्र 2 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि बहुत ही खराब बिजनेस माना जा रहा है। अभी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1 हफ्ता पूरा भी कर ली चुका है। इम्तियाज अली की कहानी कहने का अंदाज इतना शानदार है कि आप खुद को प्यार में पड़ने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि फिल्म वाकई ही देखने लायक बनी है। यह फिल्म एम्स्टर्डम, बुडापेस्ट और पंजाब के खूबसूरत लोकेशन पर शूट किया गया है। फिल्म में शाहरुख खान एक पंजाबी गाइड की भूमिका में नजर आ रहे हैं, तो वहीं अनुष्का शर्मा फिल्म में एक गुजराती लड़की बनी हुई है।